और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं। रजा साहब, मतलब तालिबान के बारे में, एक ऐसे आतंकवादी संगठन के बारे में इस तरह की सरकार चलाने की बात की जा रही है जो ऑलरेडी अपनी तस्वीर साफ कर चुका है, ऑलरेडी जहां पे यूनिवर्सिटी से तस्वीरें आ गई है कि पर्दा खिंच चुका है भाई साहब, वहां पे एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिलाएं हैं, इस तरह से पढ़ाई होगी। अभी अभी खबर हमने ही बताई है कि खेल नहीं सकती है महिलाएं, महिलाएं वहां पर शिक्षा नहीं कर सकती है, ये सब बकवास है उनकी नजर में। और फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ कश्मीर में बैठकर इस तरह से राग अलाप रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बयान पर? देखिए, आप बड़ी हैरत की बात मुझे सुन रहा था अभी बयान उनका जो आपने बात कही कि जहां पर जुल्म के और ताकत के दम पर हुकूमत ली गई हो, छीनी गई हो, वहां पर कानून को स्थापित करने की बात वो कह रहे हैं, वहां पे लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ शरिया कानून की भी बात कर रहे हैं जो हुकूमत शरियत के खिलाफ ही हासिल की गई है। शरियत में जुल्म की छूट है कहां? वहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, शरियत में महिलाओं के साथ उत्पीड़न है नहीं। आपने लोकतांत्रिक सरकार की आप बात अगर कर रहे हैं तो महिला को वहां सम्मान नहीं, अपमान किया जा रहा है, महिलाओं का अत्याचार किया जा रहा है, उनको सरेआम गोलियां मारी जा रही, और उस पर इस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का आना, ये हास्यास्पद भी है और हैरतअंगेज बात है। या तो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसको यही कहा जा सकता है, क्योंकि तालिबान के साथ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से बर्बरता हुई है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर श्वेता जी परेशान है सब लोग, कि कम इस तरह से भी कहीं हुकूमत होती है? यहाँ पे आप लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप शरीयत की भी बात कर रहे हैं, ना इसमें शरिया आ सकती है ना यहाँ लोकतंत्र आ सकता है, क्योंकि जहाँ बंदूकों के साए में हुकूमत हासिल की गई है, तो क्या है मारकर क्या है ना, दरअसल शरिया की बात तालिबान भी करता है। अगर तालिबान के हिसाब से शरिया ये कहता है जो वो इस वक्त अफगानिस्तान में कह रहे हैं, तो यहां बाकी लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप बेहतर समझाएंगे, क्योंकि खुद फारूक अब्दुल्ला अगर इस तरह से बयान भारत में दे रहे हैं तो समझना होगा कि वाकई मुस्लिम धर्म में शरिया यही कहता है क्या करने के लिए। देखिए, असल में है क्या, पूरी दुनिया में तालिबान जैसी संस्थाओं ने आकर मुसलमान और इस्लाम को अलग अलग कर दिया है। इस्लाम और है, मुसलमान और है, और ये जो तालिबानी मुसलमान हैं, इनके चेहरे को दिखाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रश्न पर खड़ा कर दिया है। ऐसे ही लोगों ने, हम तो कहेंगे तमाम उन लोगों से जो वाकई में समझ रहे हैं, ना ये शरीयत हो सकती है ना ये लोकतंत्र हो सकता है, जिस तरह की बर्बरता तालिबान लगातार करता चला रहा है, बिल्कुल भी आतंक का पर्याय है वो। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो लोग परेशान हैं इस तरह की हुकूमत से, और इससे बाज आना चाहिए। हम लोगों से अपील भी करेंगे कि इस तरह के लोगों के, जिस तरह से हमारे देश में कई लोगों ने समर्थन किया तालिबान का, कई मुसलमानों के स्टेटमेंट आए, समाजवादी पार्टी के सांसद के आए और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने बधाई दी, तो बड़ी हैरत की बात है। ये तो धर्मगुरु भी हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या जुल्म की आग में झोंकना चाहते हैं मुसलमानों को? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।